राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा हाल ही में नाणा के बजाय अब रत्नागिरी जिले के ही राजापुर के बारसू सालेगांव में रिफाइनरी लगाने बाबत दिए गए बयान से विदर्भ के उद्योग व्यापार जगत में खलबली मच गई है। स्थानीय उद्योजकों और व्यापारियों का कहना है कि रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स रत्नागिरी की बजाय हर हाल में विदर्भ में ही लगनी चाहिए। इस बाबत रविवार को विदर्भ इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल के बैनर तले हुई पत्र परिषद में विदर्भ के अधिकांश औद्योगिक और व्यापारिक संगठनों ने विदर्भ में यह प्रोजेक्ट लाने पर जोर दिया। वैद के अध्यक्ष शिव कुमार राव और उपाध्यक्ष प्रदीप महेश्वरी ने कहा कि रिफाइनरी प्रोजेक्ट विदर्भ में आने पर इसके उत्पादों की परिवहन लागत कम हो जाएगी। रिफाइनरी से विदर्भ में सीधे तौर पर 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा। इससे 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसे में इस प्रोजेक्ट का फिजिबिलिटी सर्वे होना जरूरी है। सरकार को भी इस बाबत ठोस कदम उठाने चाहिए। समृद्धि महामार्ग के समानांतरण कच्चे तेल की पाइपलाइन बिछाई जा सकती है। यहाँ रिफाइनरी लगती है तो मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में पेट्रोल सस्ता मिलेगा। पत्र परिषद में रिफाइनरी क्षेत्र के वरिष्ठ जानकार विनायक राव मराठे, बीएमए के अध्यक्ष प्रदीप खंडेलवाल, वीआईए के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुहास बूधे, एमआईए के अध्यक्ष चंद्रशेखर शेवगांवकर, कोसिया विदर्भ के अध्यक्ष सीए जुल्फेश शाह, वीपीआईए के अध्यक्ष राकेश सुराना, एनवीसीसी के अध्यक्ष अश्विनी मेहाड़िया, सचिव राम अवतार तोतला, कैमेट के नागपुर अध्यक्ष संजय अग्रवाल, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष लवलीन सिंह खुराना, क्रेडाई नागपुर मेट्रो के अध्यक्ष विजय दरगन, वीटीए के अध्यक्ष श्रवण कुमार मालू, सचिव तेजिंदर सिंह रेणु और अन्य उद्योजक उपस्थित थे। इथं विकास होत नाही, कुठेतरी राज्य सरकार, केंद्र सरकार ह्या संदर्भामध्ये कुठेतरी मागे पडलेले आपल्याला पाहायला मिळतात। अशा इतर याच्यामध्ये विदर्भाचा विकास व्हावा आणि त्यासाठी फार मोठा परिणामकारक एक दृश्य रिफायनरी जर इथे आली तर नक्कीच होऊ शकतं। इथे जनसामान्यांचं जे भलं होईल ते नक्कीच अतिशय मोठ्या प्रमाणात होयला आपल्याला पाहायला मिळेल आणि त्यासाठी वेगळ्या विदर्भाची मागणी आम्ही मागे ठेवायला देखील तयार आहोत। सरकारने रिफायनरीचा प्रकल्प हा विदर्भात दिलाच पाहिजे ही आमची मागणी। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी, बीसीएन न्यूज, नागपूर।